अस्सलाम वालेकुम मोजद खातिन हजरात, सी आर ओ के पार्ट टू के साथ आपकी खिदमत में प्रोफेसर नुमान मजीद साहब हाजिर हैं जी। और जनाब, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने सी आर ओ की डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के आएंगे। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हमें हासिल हो चुके हैं, यहाँ तक फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और सेट्स ऑफ एनोड्स, ये इलेक्ट्रॉन गन के एसेंशियल पार्ट्स हैं। यहाँ से निकल के जब इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, हम उन्हें डिफ्लेक्ट करवाएंगे। अब होगा क्या कि फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के साथ कोई सलूक नहीं किया है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आता है, हमने स्क्रीन पर सेटिंग की हुई है, ये आपको सी आर ओ ऐसे नजर आ रही है, सी आर टी डिस्प्ले ऐसे है। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे करके देखें, आपको स्क्रीन अपने सामने नजर आएगी। और जनाब, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, देखें जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे जनाब स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये ऐसे करके। उस स्क्रीन के बिल्कुल पीछे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये वाई वाली और ये नीचे वाली वाई प्राइम है, और उससे पीछे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में ये वाली प्लेट एक्स है और ये वाली प्लेट वाई हो गया। आप उंगलियों की हरकत मेरी देख रहे होंगे, ये एक्स प्लेट है और ये वाली वाई प्लेट है, यानी इसके बिल्कुल पीछे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वाई और वाई प्राइम, और उससे बिल्कुल पीछे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं एक्स और एक्स प्राइम। तो जनाब, हमने इसकी एडजस्टमेंट, इसकी सेटिंग ऐसे की हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन आखिरी सेट ऑफ एनोड्स से निकल के आएं और बिल्कुल सीधा स्क्रीन पे जाके टकराएं, तो वो स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर की बजाय हम फॉर एग्जांपल ये काम करते हैं जी कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराएं, एक साइड पे, नहीं, वर्टिकल पोजीशन इनकी बिल्कुल सेंटर पे है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन उनकी बिल्कुल साइड पे है, वो यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन टकराएं। जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके टकराते हैं, यहाँ से आगे एनर्जी लूज करेंगे, रिलीज करेंगे, आपको लाइट नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के इस वाले हिस्से पर डॉट नजर आएगा, रोशन नुक्ता नजर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे आके टकरा रहे हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर इंटरनली वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इंटरनल हमारे पास सर्किट है, उसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे फीड करते हैं, और वो जो इंटरनल सर्किट है वो कैसा है, वो इंटरनल सर्किट हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। आपने इससे पहले एसी या डीसी सुना हुआ है, एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है, डीसी बिल्कुल स्मूथ होता है। ये है जनाब सा टूथ वेव, क्या जी, सा टूथ, सा आरी के दंदे वाले, आरी के दंदे जैसी, जनाब आरी के दंदे कैसे होते हैं देखते हैं जनाब आली, ए मैं आरी के दंदे बनाने लगा हूँ ऐसे करके, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। तो जनाब बिल्कुल ये ऐसे डायग्राम बनाना है, आपने मेजर कर लेना है कि ये फासला कितना है, ये कितना है, जितना ये फासला है उतना ही ये फासला, ये वाला फासला ध्यान रखें जनाब, वहीं पे बिल्कुल वैसा ही ऐसा बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे करके बना दिया करते हैं ऐसे, ये गलत है, ऐसे कार्टूनों में पहाड़ बने हुए होते हैं, ये साट उथ वेव नहीं है। आरी के दंदे, छुरी के दंदे ऐसे होते हैं, एक तरफ से टेढ़े और एक तरफ से बिल्कुल सीधे, ताकि एक तरफ वो कट लगाया जाए, फिर उल्टा नहीं ऐसे काटते, ऐसे काटते हैं ऐसे। कभी आपने आरी से दरख्त काटते हुए देखा हो ना, या आरी के दंदे देखे हो, दंदे वाली छुरी देखे, या किचन में दौड़ के जाके लेक्चर सुनने के बाद। तो जनाब ये साट उथ वेव हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे अप्लाई करेंगे। ये क्या ग्राफ किस किस के दरमियान है, ये जनाब टाइम, सॉरी एक्स एक्स पे टाइम और वाई एक्स पे पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, वक्त के साथ साथ बाय द पैसेज ऑफ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होते 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 कितना हो गया जी, मैक्सिमम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होने के बाद में यकदम होता है ज़ीरो, देखिए जी बढ़ता गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यकदम ज़ीरो, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया यकदम ज़ीरो। उससे क्या होगा, अब देखें ज़रा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर हमने ये अप्लाई करना है। ओके, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है यहां से ऐसे जा रहा है, ये स्क्रीन पे है तो यहां पीछे से आ रहा है ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। फिलहाल हमने ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे ये वाला सर्किट अप्लाई करना है, ये इंटरनली मौजूद है और ये साट उथ वेव की तरह के वोल्टेज जनरेट कर रहा है।
ये क्या हो रहा है जनाब कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा, फिलहाल देखें जब टाइम ज़ीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। चलें जनाब मैं यहाँ पे प्लेट्स भी लगाता हूँ, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। अभी फ़िलहाल इन दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है ज़ीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन सीधा आ गया और यहाँ पर आके टकरा गया जहाँ पर उसने रूटीन में टकराना है। ओके जी, अब क्या हुआ, वक्त थोड़ा सा गुजर गया तो यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा हो गया। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एक प्लेट पे हायर पोटेंशियल हो गया, दूसरी प्लेट पे लोअर पोटेंशियल हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर हुआ नेगेटिव पोटेंशियल, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेगा तो जनाब पहले इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जाके स्क्रीन के साथ टकरा रहा था, अब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस है चूंकि, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ दरमियान से गुजरने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव वाली प्लेट उसे रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव वाली प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी। नतीजा क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर को आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इन प्लेट्स पे, ये वाली प्लेट थोड़ी सी रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन को, ये वाली अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे आने की बजाय थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चला जाएगा इधर को। थोड़ा टाइम और गुजर गया, पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हो गया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे, तो इधर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा हो गया। नतीजा क्या होगा जी कि अब इलेक्ट्रॉन को इधर से मिलने वाली रिपल्शन और इधर से मिलने वाली अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो गई, तो वो थोड़ा सा और इधर को डिफ्लेक्ट हो गया, तो जो पहले मरहले में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो वहाँ यहाँ पर आगे स्क्रीन के साथ टकराए, उसके बाद आने वाले यहाँ पे उसके बाद आने वाले यहाँ पे, उसके बाद फिर जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता जा रहा है, तो इधर से मिलने वाली रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा हो रही है, इधर से मिलने वाली अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर को बाय द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन इधर को इधर को इधर को ऐसे करके जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ही जा रहा असल में पीछे से, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है पहले बिल्कुल सीधी आ रही थी, अब थोड़ा सा वक्त गुजर गया इधर से रिपल्शन मिली तो ये अब ये वाली इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, उसके बाद जो आने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़े डिफ्लेक्ट होकर इधर चले गए, उसके पीछे जो आने वाले थे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए इधर चले गए, उससे ज्यादा जो पीछे आने वाले थे वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए और ज्यादा साइड पे निकल गए, तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा हो गया। नतीजा ये हुआ कि रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होती गई, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली और ज़्यादा होती गई और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा उधर को ड्रिफ्ट करता गया और होते 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 यहाँ पे बढ़ते 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 पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, तो इधर से मिलने वाली रिपल्शन मैक्सिमम हो गई, इधर से मिलने वाली अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच गया। इस बात का क्या सबूत है या इस बात की क्या गारंटी है कि जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे प्रोवाइड किए जाने वाले जो वोल्टेज हैं, जो वेरिएबल वोल्टेज हैं, जब ये वेरी होते होते मैक्सिमम होंगे, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली डिफ्लेक्शन तो मैक्सिमम हो गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो डिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ से स्क्रीन के कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाए? अगर ये नहीं होगा तो ये हम खुद कर लेंगे, मतलब हम वोल्टेजेस की पीक वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जब ये वोल्टेज मैक्सिमम होंगे तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होकर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। तो मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन अब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, यहां पे नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम है और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है दोनों प्लेट्स के दरमियान, और मैक्सिमम के बाद यकदम पोटेंशियल होगा जीरो। जब यकदम पोटेंशियल जीरो होगा मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। नतीजा क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट करके मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा था अब वापस यहाँ पे आ जाएगा, अपनी स्क्रीन पर नजर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे चला गया था अब वो यकदम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाली प्लेट जो स्क्रीन का ये वाला सिरा आप देख रहे हैं ये एक्स प्लेट है, इधर वाली एक्स प्राइम प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करते 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 यहाँ तक पहुँच गया था और यहाँ से फिर ये एक मिनट जी सॉरी
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से यकदम फिर वो यहाँ पे चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से डिफ्लेक्ट करते करते डिफ्लेक्ट करते करते यहाँ तक पहुँचा। अब पोटेंशियल डिफरेंस यकदम ख़त्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जनाब, यकदम यहाँ से यहाँ चला जाएगा। वो क्या होगा जी कि जब एक साइकिल पूरा होगा सॉटूथ वेव जनरेटर वाले सर्किट का, उतनी देर में इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के एक सिरे से ऐसे डिफ्लेक्ट करते करते दूसरे सिरे तक जाएगा और उसके बाद यकदम फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। झाड़ू दे के देते हुए देखा आपने किसी खातून को कभी, याद लक्चर सुनने वाली आप खुद खातून हैं, झाड़ू देने का तरीका क्या होता है, यहाँ से झाड़ू पकड़े ऐसे करके तो इधर को ले जाएं, इधर को ले जाएं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे झाड़ू के साथ पूरा इधर जाएगा, इधर को करेंगे वापस आ जाएगा, सफाई नहीं होगी। तरीका ये होता है कि ऐसे करके जनाब झाड़ू को स्वीप करते हुए यहाँ पर ले जाएं, उसके बाद झाड़ू को उठा के यहाँ पर रखें ऐसे ऐसे, ये होता है, सीख लें जरा झाड़ू देने का तरीका, अगर नंबर जरा कम आए तो यही काम करना है सारी उम्र फिर आपने ऐसे। तो जनाब ये जो सर्किट है इसे स्वीप सर्किट भी इसीलिए कहते हैं, स्वीप सर्किट जनाब, स्वीप सर्किट, ये झाड़ू देने जैसा सर्किट है, जैसे झाड़ू देते हैं वैसे क्रिकेट में स्वीप शॉट होती है, वो बैट को ऐसे लगा की सी सी मारते हैं। तो जनाब यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल हो रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता गया, वोल्टेज मैक्सिमम होते गए, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता गया, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होते 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 जनाब ए यहाँ पे चली गई, वापस यहाँ पे आ गया, उतनी देर में अगला साइकिल शुरू हो गया, अगली दफ़ा इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसे करके ऐसे डिफ्लेक्ट होते होते यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, उसके बाद यकदम जीरो होगा फिर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बार बार ये स्वीप करेगा, इलेक्ट्रॉन विल स्वीप अक्रॉस द स्क्रीन ऐसे, जो चूंकि इतनी तेजी से यह काम होगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा स्पॉट बनेगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, होना तो यह चाहिए कि आपको एक नुक्ता मूव करता हुआ नजर आए ऐसे, लेकिन यह काम इतनी तेजी से होता है कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था और यहां पर स्पॉट बना, इस स्पॉट का इंप्रेशन आपकी आंख पे मिटने से पहले ही चक्कर काट के दोबारा फिर वहीं पे आ जाता है। नतीजा क्या होता है कि आपको स्क्रीन पर एक स्पॉट मूव करता नजर नहीं आता बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है। जू ही आप सीआरओ का स्विच ऑन करते हैं, जू ही आप सीआरओ का स्विच ऑन करते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आने का मतलब है कि स्क्रीन के सीआरओ के अंदर जो स्वीप सर्किट है वो अपना काम सही कर रहा है और अब ये सीआरओ को पोटेंशियल, अब ये सीआरओ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हमने काम लेना है, अब हम चाहते हैं एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास ऐसा है जिसमें साइनोसाइडल वेव फॉर्म है ऐसे, हम चाहते हैं ये वाले वोल्टेज मेजर करना। ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट जनाब आली हम अप्लाई करेंगे, हम लगाएंगे कहाँ पे? ये एक्सटर्नल सर्किट आप अप्लाई करेंगे जनाबे आली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे इंटरनली स्वीप सर्किट काम कर रहा है, या इसे टाइम बेस जनरेटर भी कहते हैं। टाइम बेस जनरेटर मतलब ये क्या कर रहा है जनाब, ये जो हमारे पास जो ग्राफ आएगा स्क्रीन पे उसका एक्स एक्सिस ये प्रोवाइड कर रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, कितने टाइम में वो इधर को यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक पहुँचता है। तो जनाब अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे हम एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा आइए देखते हैं जी। तो अब हम दोनों हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो स्वीप सर्किट आ रहा है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आप इस काबिल हो गए हैं कि अब इसको आप समझ लें। लेकिन जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर हम सर्किट अप्लाई करेंगे तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अब दोनों को साथ साथ ही स्टडी करेंगे, कि ये नहीं कि मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूंगा और सिर्फ इसको डिस्कस करूँगा, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले आपने एक समझ लिया, उसका तरीकाकार आपको आ गया, अब हम इसके साथ साथ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स वाला भी डिस्कस करेंगे। तो सूरत हाल क्या होगी, यहां पे भी एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे वोल्टेज, ये ग्राफ लगा है, ये वो है जो वापडा के वोल्टेज हैं, ये साइनोसाइडल हैं, एसी हैं, साइन वेव है आपके सामने। तो क्या हो रहा है जनाब, टाइम है अभी जीरो, जब टाइम जीरो है तो ये वाले पोटेंशियल भी जीरो हैं और ये वाला वोल्टेज भी जीरो है, तो अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का स्पॉट है वो यहां पर है,
थोड़ा सा टाइम गुजर गया, थोड़ा टाइम गुजरा तो ये वाले वोल्टेज हो गए यहाँ पे और ये वाले वोल्टेज हो गए हैं जनाब यहाँ पे। अब ये वाले वोल्टेज कहाँ हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे हैं, तो इनकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा और इस वाली प्लेट पे आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर को डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन मीनवाइल पहले सिर्फ यही था, अब मीनवाइल उतनी देर में जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना का आ गया है, जीरो से इतना हो गया है। तो फर्ज कर लें कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में ये वाली अपर वर्टिकल प्लेट है या लोअर है, वो फर्ज करें कि ऊपर वाली प्लेट पर आता है पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे वाली पर आता है नेगेटिव पोटेंशियल। चले मैं वाई यहाँ ऊपर करके लिखता हूँ, ये वाई प्राइम है, तो ये आ गई जनाब सारी लॉजिक, ये अपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है और ये लोअर वाली है। तो यहाँ पे ऊपर वाली पे जब थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और नीचे वाली पे थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो ऊपर और नीचे पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को अब नीचे से रिपल्शन मिलेगी और ऊपर से अट्रैक्शन मिलेगी। नतीजा क्या होगा, पहले के मुकाबले में वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा वो इधर गया इसकी वजह से यहाँ चला गया और थोड़ा सा ऊपर चला गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से, इसकी वजह से। तो जनाब ये थोड़ा सा इधर को गया, थोड़ा सा इधर को गया, यहाँ पे चला गया जी, थोड़ा और टाइम गुजर गया तो जनाब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना, थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो उसी टाइम में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। नतीजा क्या होगा, थोड़ा सा और वो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट, वो इलेक्ट्रॉनिक बीम कैथोड रेज वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन उतनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक बीम थोड़ा सा इधर को हुई है और थोड़ा सा इधर को हो गई, थोड़ा सा इधर को और सॉरी ये वो CRO दिखाने के लिए मैंने फ़ोन रखा है, वो बार बार वहाँ पे बेल आ रही मैडम के फ़ोन पे, चलें कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक बीम अब थोड़ी सी इधर को हो गई है और थोड़ी सी ऊपर को हो गई, थोड़ा सा इधर को हो गया, ये पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, अब वो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो नीचे से रिपल्शन ज़्यादा होगा, ऊपर से अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बीम थोड़ा सा आगे को होने के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर को भी हो गई, थोड़ा और टाइम गुजर गया, थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये वाला पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बीम थोड़ा इधर को हो गई, ये वाला पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ऊपर को बीम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो एट द सेम टाइम इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बीम थोड़ी सी इधर को जा रही है, थोड़ी सी ऊपर को जा रही है, तो वो जनाब थोड़ा सा आगे को, थोड़ा सा जनाब ऊपर को, थोड़ा सा आगे को, थोड़ा सा ऊपर को, होते होते यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो अपर डिफ्लेक्शन उसको मैक्सिमम मिली, मैक्सिमम अपर पोजिशन पर चला गया, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्शन मिलती जा रही है, हॉरिजॉन्टली वो लगातार इधर को ही जा रहा है, लेकिन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले पीक पे जाने के बाद अब थोड़ा कम होने लग गया, यहां पॉजिटिव चार्ज कम होने लग गया, यहां नेगेटिव चार्ज कम होने लग गया, तो ऊपर से मिलने वाली अट्रैक्शन और नीचे से मिलने वाली रिपल्शन पहले से कम हो गई, तो हॉरिजॉन्टली उधर को जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वर्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस अब कम होने लग गया, तो वो नीचे को आना शुरू हो गया, तो आगे को ही जा रहा है और साथ साथ जनाब नीचे को आ रहा है, नीचे को आते आते यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन उसकी ख़त्म हो गई। अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टल तो पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली वो उधर को जा रहा है, जाने दें, वर्टिकली पोटेंशियल अब रिवर्स हो गया, रिवर्स होने का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया, मतलब ऊपर से रिपल्शन मिल रही है, नीचे से अट्रैक्शन मिल रही है, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से अब नीचे को जाना शुरू कर देगा, तो पहले आगे को और ऊपर को था, अब आगे को और नीचे को है, लो जनाब अली ऐसे करते करते नीचे से जनाब ये मैक्सिमम पोटेंशियल मिल गया, मैक्सिमम के बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लग गया, जिसके नतीजे में अट्रैक्शन रिपल्शन कम होने लग गई, और जिसके नतीजे में जनाब अली क्या हुआ जी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कम होते होते लो जी यहाँ पे आ गए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बीम वापस यहाँ पे आ गई है, तो बिल्कुल आप देखें जैसी ये वेव फॉर्म थी ये वैसी ही वेव फॉर्म यहाँ पे ये ट्रेस कर लेगा,
जैसी वेव फॉर्म यहाँ पे थी वैसी वेव फॉर्म ये यहाँ पे जनाब अली ट्रेस कर लेगा। तो अब आपको स्क्रीन पे ये वेव फॉर्म नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा, ये टाइम एक्सेस है। वाई एक्सेस पे जो एम्पलीट्यूड है ये बता रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं। तो जनाब ये आपको ग्राफ प्लॉट करके दे दिया, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त क्या है कि जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे वोल्टेज मैक्सिमम हो उतनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे एक साइकिल पूरा हो जाए। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे वोल्टेज मैक्सिमम से यकदम जीरो होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे साइकिल ऐसा ही फिर से शुरू होगा। तो अगले चक्कर में फिर से वही बार बार वही पाथ ट्रेस करके आपको देगा। नतीजा क्या होगा कि स्क्रीन पे आपको पैटर्न बिल्कुल स्टेशनरी नजर आएगा, स्क्रीन पे आपको पैटर्न बिल्कुल स्टेशनरी नजर आएगा। ये वो सिचुएशन है जब सॉटूथ वेव जनरेटर यानी स्वीप सर्किट, उसका जो इंटरनल सर्किट है वो और जो एक्सटर्नल सर्किट है दोनों की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज कर रही है। तो जनाब ये वो सिचुएशन है जब के फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीप सर्किट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है मैं यहां लिख देता हूं, और ये फ्रीक्वेंसी है स्वीप सर्किट की। अगर दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि जितनी देर में, अगली सिचुएशन देखें, अगली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जितनी देर में, अब जब ये है तो मैं आगे ब्लू में लिखता हूं कि आपको एक साइकिल नजर आएगा। ओहो चलें अब बस ऐसे ही समझ लें, स्क्रीन पर आपको एक साइकिल नजर आएगा जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। अब फर्ज करें कि जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम होते हैं उतनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर एक साइकिल की बजाय दो साइकिल गुजर जाती है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म एक वेव की बजाय दो वेव गुजर जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बीम जब तक यहां से यहां तक जाएगी उतनी देर में दो वर्टिकली क्या होगा, जितनी देर में इलेक्ट्रॉनिक बीम यहां से यहां तक जाएगी उतनी देर में वर्टिकली क्या होगा, एक साइकिल दो साइकिल नजर आएंगे, दो साइकिल गुजर चुके होंगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉनिक बीम यहां पे आएगी तो फिर से साइकिल शुरू होगा, आपको ये वाला पैटर्न स्टेशनरी नजर आएगा, आपको ये वाला पैटर्न स्टेशनरी नजर। तो ऐसा कब होगा, ऐसा उस वक्त होगा जब के स्वीप सर्किट का एक साइकिल गुजरा है और एक्सटर्नल जो वोल्टेज हैं उनकी दो साइकिल गुजरे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है इसके मुकाबले में, यानी के फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सर्किट इज इक्वल टू स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी का दो गुना। स्वीप सर्किट की जितनी फ्रीक्वेंसी है इसका एक साइकिल गुजरता है तो इसके दो साइकिल गुजर जाते हैं, और अगर ऐसा हो कि एक्सटर्नल सर्किट की जितनी फ्रीक्वेंसी है स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी से वो तीन गुना हो, स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी जितनी है उसके मुकाबले में एक्सटर्नल सर्किट की फ्रीक्वेंसी हो तीन गुना, तो आपको स्क्रीन पर तीन साइकिल नजर आएंगे। अगर एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी का चार गुना है तो स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे कितने, चार साइकिल नजर आएंगे, ये सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब एक्सटर्नल सर्किट की फ्रीक्वेंसी तो हम चेंज नहीं कर सकते, इंटरनल की हम कर दिया करते हैं, अब एक और सिचुएशन भी हमने देखना है। तो हाँ अब ये सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये मैच कर रही है एक दूसरे से कि या तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं या एक दूसरे का इंटेग्रल मल्टीपल हैं, तब आपको ऐसे करके स्क्रीन पे पैटर्न स्टेशनरी नजर आएगा। स्टेशनरी पैटर्न हासिल करने के लिए जरूरी है कि जब हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए उतनी देर में उतनी ड्यूरेशन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे साइकिल पूरा होना चाहिए, चाहे एक साइकिल पूरा हो जाए ऐसा, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, ये इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तब आपको स्क्रीन पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक बीम बार बार वही पाथ फॉलो करे तब आपको पैटर्न स्टेशनरी नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तब पैटर्न स्टेशनरी नजर नहीं आएगा। आइए देखते हैं कि वो सिचुएशन कैसी बनेगी। यहां देखें जी, अब मैं ये काम करता हूं कि फर्ज कर लें कि जितनी देर में, फर्ज करें जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम होते हैं उतनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे आधा साइकिल गुजरता है, तो क्या होगा जी, यहां पे आपको पैटर्न मिलेगा ऐसे। अब हॉरिजॉन्टली तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर गया,
अब यहां से वोल्टेज मैक्सिमम से जीरो होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा वर्टिकली, अब ये ऊपर को जाने के बजाय अब ये नीचे को जाएगा, तो अगली दफा इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे करके जाएगा, अगले साइकिल में ऐसे, तो वो आपको स्क्रीन पे तस्वीर टपूसियां मारती नजर आएगी। पहले टाइम डिले कम था, अब डिले ज्यादा हो गया, अब एक दफा इलेक्ट्रॉन आपको यहां से जाते हुए नजर आएगा, एक दफा यहां से जाते हुए नजर आएगा, जो जब यहां से जा रहा होगा उतनी देर में ये इमेज मिट जाएगा, जब यहां से जाएगा ये वाला मिट जाएगा, नतीजा क्या होगा, आप जो फ्लक्चुएट करती तस्वीर नजर आएगी। और ये भी हो सकता है कि जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉनिक बीम को डिफ्लेक्शन मिले जीरो से मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम हो, उतनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पौना साइकिल गुजरा हो, तो नतीजा क्या होगा कि आपको पैटर्न ऐसा नजर आएगा, ए ऐसा। अब हॉरिजॉन्टली तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, लेकिन वर्टिकली कहां पे जाएगा, वो यहां से शुरू करेगा ऐसे करके, ए ऐसे करके, नतीजा क्या होगा, आपको एक दफा पैटर्न ऐसे नजर आएगा, एक दफा ऐसे नजर आएगा, और उससे अगली दफा आपको पैटर्न नजर आएगा जनाबी अली, ए ऐसे करके, नतीजा क्या होगा, कभी वेवफॉर्म ये, कभी ये, कभी ये, सारी गड़बड़ होती जाएंगी, आपको पैटर्न स्टेशनरी नजर आएगा तब आप सही मेजरमेंट कर सकेंगे, जब आपको पैटर्न स्टेशनरी नजर ही नहीं आएगा तो आप मेजरमेंट भी सही नहीं कर सकेंगे। नतीजा क्या होगा कि अब ये सही नहीं है, इसको ठीक कैसे करना है, अब ये स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल सर्किट की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, अब ये मैच नहीं कर रहे, अब ये सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे, तो सीआरओ पे पैनल पे हमारे पास एक होता है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल। क्या होता है जी, सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल, उसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट की फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास में नहीं, वो तो हमने चेक करना है, मेजर करना है, इंटरनल की स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी ये सेट कर देता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये साइकिल छोटा बड़ा कर सकता है कि जितनी देर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे साइकिल पूरा हो उतनी देर में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर भी साइकिल पूरा हो जाए, तो इसको एडजस्ट करके इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके एक्सटर्नल सर्किट के साथ मैच की जाती है। याद रखिए, इंटरनल की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं, ये हम चेक कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल की नहीं करते, तो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल की मदद से स्वीप सर्किट की फ्रीक्वेंसी हम एक्सटर्नल के साथ मैच कर लेते हैं या एक दूसरे का इंटेग्रल मल्टीपल, जैसा कि आपको ये दिखाया भी है लिख के और डिस्कस करके, तो जब हम ये मैचिंग ये सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं तब आपको पैटर्न स्टेशनरी नजर आता है, तब आप और सीआरओ की स्क्रीन पे ग्रिड बने होते हैं ऐसे करके ना जी, ये ऐसे डब्बे बने होते हैं ग्राफ की तरह, उससे क्या होता है कि हमें रीडिंग पढ़ना आसान हो जाती है, वो जो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं वहां से पता चलता है कि ये खाना किसको जाहिर कर रहा है। तो जनाब वोल्टेज पढ़ लेते हैं बड़ी आसानी से, सीआरओ इस लिहाज से बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि ये सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करता, आपने एक्सटर्नल सर्किट में से दो तारें लेके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे लगा देनी हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस अब ये सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वोल्टमीटर की तरह ड्रा नहीं करेगा करंट, थोड़ा महंगा है लेकिन प्लॉट करके ग्राफ आपको बताता है। ये सिंगल चैनल सीआरओ है जिसमें मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ फिर से स्क्रीन, जिसमें जनाब आपने ये वाली वेव फॉर्म ड्रा कर ली है। चलो जी अब आप ये मेजर करेंगे, डुअल चैनल सीआरओ हमारे पास होती है, उसमें आप एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ एक्सटर्नल सर्किट को लगा देते हैं, एक सर्किट को एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे, दूसरे को दूसरे पे, नतीजा क्या होता है कि एक सर्किट की वेवफॉर्म आपको ऐसे नजर आती है, दूसरे सर्किट की वेवफॉर्म भी अगर बिल्कुल ऐसे है तो इसके ऊपर ही आ जाएगी, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है दूसरे सर्किट की, फर्ज करें मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वन और ये टू, दो वेव फॉर्म एट ए टाइम जब ड्रा होती हैं तो आप देखें इसका फेज 90 पे है और इसका फेज है 270 पे, तो ये 180 आउट ऑफ फेज है, तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट को आसानी से मेजर किया जा सकता है डुअल चैनल सीआरओ पे। हम फेजेस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, अब जाके हम 16 चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि फेजेस को कंपेयर करना क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम उससे क्या काम लेते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, आपकी खिदमत में पेश किया गया आज सीआरओ का लेक्चर वीडियो पार्ट टू, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं पार्ट वन जो है उसकी वीडियो, अगर आप देखना चाहें, किसी किस्म का क्वेश्चन हो कोई कमेंट कीजिए, नंबर आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, किसी किस्म का कोई इशू हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।